सबको नमस्कार। टाइम की कमी के कारण आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स सर, ओनली फाइव मिनट्स। मुख्य अतिथि श्री जेएस रंजन सर, आईएएस विशेष मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य और आईटी तेलंगाना सरकार। सम्मानित अतिथिगण श्री डीएस चौहान जी, आईपीएस प्रमुख सचिव उपभोक्ता मामले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और आयुक्त नागरिक आपूर्ति तेलंगाना सरकार। सम्मानित अतिथि श्री हेम कुमार पांडे जी, पूर्व सचिव उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार। सर थैंक्स फॉर कमिंग। और मैं आपको बताता हूँ कि जेएस सर से मेरी मुलाकात इंडो यूके बिजनेस मीट लंदन में हुई थी। जब मैंने जेएस सर को रिक्वेस्ट की थी डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो जेएस सर ने आश्वासन दिया था कि मैं आप लोगों की बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ और मैं आप लोगों की इंडस्ट्री के लिए प्रयास करूँगा अच्छे से अच्छा काम करने की। और आज सर आपके सामने आ चुके हैं। थैंक यू सर। लेट मी डिफाइन इन अ शॉर्टकट ऑफ ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सर हमारी इंडस्ट्री के अंदर कोई कास्ट फैक्टर नहीं होता, कोई एज लिमिट नहीं होती, कोई एजुकेशन मैटर नहीं करती, कोई इकोनॉमिकल कंडीशन मैटर नहीं करती, कोई जेंडर मैटर नहीं करता। और सोसाइटी का कोई भी वर्ग आके हमारी इंडस्ट्री में काम करके खुद को सक्सेस कर सकता है और अपने परिवार के लिए एक अच्छी आर्थिक स्थिति पैदा कर सकता है। सर हमारा कंट्रीब्यूशन जो डायरेक्ट सेलिंग का सोसाइटी के लिए है वो अपने आप में एक अद्भुत है, उल्लेखनीय है। हमारी इंडस्ट्री में काम करने वाले ज़्यादातर लोग रो आते हैं सर, जिन्हें ना एजुकेशन होती है, अच्छे स्टेटस के लोग भी आते हैं, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, सब तरह के लोग आते हैं। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता है सर कि हम उनका स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनको सेल्स स्किल्स डेवलप करते हैं जो कि बहुत ही हार्ड टफ जॉब है, विदाउट MBA मार्केटिंग, BBA मार्केटिंग, लीडरशिप स्किल्स, हाउ टू मैनेज द टीम, क्योंकि विदाउट टीम दिस इज नॉट पॉसिबल टू डू डायरेक्ट सेलिंग सर। तो लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना, वुमेन एम्पावरमेंट, मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं सर। जो लोग बिल्कुल लूज कर चुके हैं लाइफ में कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनको हमारा मॉडल, हमारी एजुकेशन उनका मेंटल हेल्थ डेवलप करते हैं, उनको ये महसूस कराते हैं अभी भी तुम में कुछ है और तुम चाहो तो इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो। बहुत बड़ी बात मैं सर आपको बताने जा रहा हूँ जो कि डायरेक्ट सेलिंग की लोगों के बीच में चर्चा का विषय नहीं है और वो होना चाहिए। न्यूट्रिशन को पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग है। व्हाई न्यूट्रिशन इज मोस्ट इजेंशियल फॉर अवर बॉडी, न्यूट्रिशन सर 45 ईयर्स पहले डायरेक्ट सेलिंग ने इंट्रोड्यूस किया। ओबेसिटी प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड सर, ओबेसिटी मेजर प्रोग्राम वर्ल्ड, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रन कर रही है सर ओबेसिटी का 40 साल से, कि ओबेसिटी हमें, हमारे लिए, अपनी हेल्थ के लिए कितनी डेंजरस है और ओबेसिटी से कैसे बचा जाए। इवन सर आज राइस ब्रेन ऑयल, रिफाइंड ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल का भी आज हम कहते हैं इंट्रोड्यूस किया था, वो भी डायरेक्ट सेलिंग ने, कि राइस ब्रेन ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा है, उससे पहले कोई राइस ब्रेन ऑयल नहीं जानता था। तो ये बड़े बड़े काम इसने, इंडस्ट्री ने किए। और सर 80% इंडस्ट्री हमारी सर वेलनेस पे ही काम करती है, 80% वेलनेस, लोगों की हेल्थ कैसे अच्छी रहे, लोग हेल्थी कैसे रहें, क्या अच्छा खाएं, क्या छोड़ें, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और कौन से नेचुरल रेमेडीज से आपको ठीक होना है। ज़्यादातर 80% हमारी इंडस्ट्री की कंपनियां वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रही है, आई एम राइट। और इवन सर आयुर्वेद को भी एक बहुत बड़ा एक्सपोजर इस इंडस्ट्री ने दिया है। बाबा रामदेव के बाद अगर आयुर्वेद के लिए किसी इंडस्ट्री ने काम किया तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने काम किया। और इससे क्या हुआ सर, जो बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग करती थी वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट लेकर आई, आज उन्हें भी इंडिया में काम करना, तो आयुर्वेद प्रोडक्ट उन्हें भी इंट्रोड्यूस करने पड़ रहे हैं। एंड पीपल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन दिस इंडस्ट्री सर, हेल्थ बेनिफिट्स। उसके बाद सर मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स का जो सेल्स होता है सर, पहले हमारा डायरेक्ट सेलर इनविटेशन लेता है, फिर प्रोडक्ट का डेमो करता है, फिर सेल्स करता है। और जो प्रोडक्ट परचेजर है सर, सभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, ओनली 10%, 90% कंज्यूमर ही रहते हैं, क्योंकि उनके अपने कोई काम है, अपनी फैक्ट्रीज है, अपने बिजनेस है, अपने जॉब्स हैं। हमारा डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी के साथ काम करता है वो 10 out of 100 लोग ही काम करते हैं, ये बताना मुझे जरूरी था। और अब जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग जो है सर, जो हमारे साथ होता है कि हमें तकरीबन दो ब्लेम हम पे लगते हैं सर, दो ब्लेम हमेशा लगते आए हैं कि मनी रोटेशन करते हो और दूसरा लगता है कि प्रोडक्ट महंगा बेचते हो। तो मैं इसका जस्टिफिकेशन देना चाहूँगा सर
कि मनी रोटेशन करने वाली कंपनियां 40 साल चली नहीं सकती। मनी रोटेशन मीन्स है सर फिक्स्ड इनकम का कमिटमेंट, मंथ में आप हमें 1000 रुपए दो, हम मंथ में आपको 2000 देंगे या 5% देंगे या 10% देंगे, डेट इज कॉल्ड मनी रोटेशन। हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री हैं सर, हम लोग मनी रोटेशन करके 40 साल 45 साल कैसे चलेंगे। आज हमारे इंडिया में कंपनियां हैं जो 24 साल 28 साल से चल रही हैं, ये मनी रोटेशन नहीं है सर। जो बीच का मार्जिन था, जो एम्प्लॉयमेंट सेल्स का जो मार्जिन था, जो एम्प्लॉयमेंट का मार्जिन था और एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा था, वो हम लोग आप इनमें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। इसीलिए सर हम 40 और 45 साल से सर्वाइव कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर जो ये चिटफंड कंपनियां ये बंद हो जाती है। और यही स्ट्रगल सर हम लोगों की है और यही आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग हमें आप लोगों से चाहिए कि इन लोगों से हमको अलग कर दो सर, हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। तो सर तेलंगाना में बहुत अपॉर्चुनिटी है, आज बहुत खुशी है कि आप आए और आप आज हमें सपोर्ट करने की मॉनिटरिंग कमेटी एक मैकेनिज्म की बात चल रही है। सर तेलंगाना में बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत इंप्लीमेंट और पढ़े लिखे लोग हैं। अगर इन्हें डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छे इकोसिस्टम के साथ करने का मौका मिले तो तेलंगाना भी अपने आप को एक बहुत बड़े लेवल पर डायरेक्ट सेलिंग में प्रूव कर सकता है सर। बस लास्ट पॉइंट है सर मेरा, दुख की बात यह है सर कि हमारे इंडस्ट्री में हम ये चाहेंगे कि आप कोई भी मैकेनिज्म बना दीजिए, हम पहली इंडस्ट्री हैं, आपसे कहते हैं हमें रेगुलेट करो सर, हमें रेगुलेशन दे दो, जो आप कहेंगे हम करेंगे, बस हमें चिट फंड से दूर रखो सर। क्यों सर, हमारे साथ क्या हुआ सर, 1000 करोड़ के टर्नओवर करने वाली हमारी कंपनी सर यूएस में सर काम शुरू किया, यूएस में बड़ा बिजनेस कर रही है और तेलंगाना में एक छोटा सा 12,000 रुपए का एक केस उसमें बनाया गया और कंपनी पूरी कोलैप्स हो गई सर, 1000 करोड़ से 100 करोड़ रुपए आ गई। और ये इम्पैक्ट सर सिर्फ तेलंगाना में नहीं पड़ता, तब ऐसा होता तो पूरे इंडिया में इम्पैक्ट पड़ता है यार, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बंद हो गई और उसकी FIR हुई, ये हुआ। लेकिन सर एक बड़ी बात यह कि आज तक जो भी FIR ऐसी हुई है, जो भी पुलिस ने की है, एक में भी सजा नहीं हुई सर, कोर्ट से सबको क्लीन चिट मिली है क्योंकि दे आर द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दी है सर क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां थी, कोर्ट में किसी को सजा नहीं भूली। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री का कोलैप्स हुआ, कंपनी कोलैप्स हुई और हमारे पूरे इंडिया में इंपैक्ट बड़ा नेगेटिव गया। तो सर हम तेलंगाना गवर्नमेंट से, आप लोगों से गुजारिश करते हैं, आपका आशीर्वाद मांगते हैं, वी नीड योर ब्लेसिंग सर, वी नीड योर ब्लेसिंग, थैंक यू।